सरिता एक छोटे से घर में अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के कामों में उसकी मदद करती। सरिता और ज्योति जैसे तैसे करके गरीबी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन पैसों की तंगी, गरीबी, इन सब चीजों से उन दोनों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। सरिता ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली थी। आसपास के लोग छोटा मोटा सामान लेने के लिए सरिता की दुकान पर आया करते। ऐसे ही एक दिन सरिता अपनी बेटी ज्योति से बात करते हुए कहती है, दुकान का सारा सामान तो खत्म हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं है। अब हम सामान कहाँ से लाएंगे? कुछ लोगों ने उधार सामान तो लिया था, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। माँ, आप उन्हें बोलती क्यों नहीं हो कि सामान लेते के साथ ही पैसे भी दे दे? अब वो तो जैसे सामान लेकर भूल ही जाते हैं पैसे देना, लेकिन हम तो मुसीबत में आ जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, आसपास के लोग सामान ले रहे हैं तभी तो हमारी दुकान चल रही है, और हम उन्हें पैसों के लिए ऐसे टोकने लग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, वो लोग चाहे सामान यहाँ से ले या कहीं और से ले, लेकिन उन्हें पैसे तो देने ही चाहिए ना। हाँ चल, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं उन्हें बोल दूंगी ध्यान रखने के लिए, इससे उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ माँ, आप उन्हीं का देखोगी कि उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन हम गरीब की हालत पर वो कुछ ना सोचे, है ना? बेटा, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमसे सामान लेते हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। तू भी ना, जब देखो गुस्सा करना होता है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें यही खत्म करो, दुकान खोलने का समय हो गया है। दुकान में जो सामान है अभी तो हम उसे ही पहले बेचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या और कैसे होगा। हाँ, ये करी ना तूने मेरी समझदार बच्ची वाली बात, चल अब। सरिता और ज्योति को पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशानी तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश में थे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी अपनी दुकान में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मीनल आती है और आकर कहती है, अरे सरिता जी, मुझे 1 किलो बेसन दे देना, वो क्या है ना, घर पर मेहमान आए हुए हैं। जी आंटी जी, 1 किलो बेसन 80 रुपए का है, रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या 80 रुपए किलो? अरे पागल क्यों बना रही हो, बाकी दुकानों में तो 50 रुपए किलो है। मीनल बहन, अब ऊपर से ही दाम बढ़ गए हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? हम तो वही दाम बता रहे हैं ना जिस दाम में हमें मिल रहा है, आपसे थोड़ी झूठ बोलेंगे हम। नहीं नहीं, झूठ सच वाली बात नहीं है, बात यहाँ पड़ोसी वाले रिश्ते की है। आप खुद ही बताओ, पड़ोसी के साथ कोई नफा नुकसान देखता है वाला? चलो 50 में ही दे दो ये बेसन। आंटी जी, आप पड़ोसी का ही रिश्ता रखिए, और जो सच दाम है वही दाम दीजिए। अरे मैं पड़ोसी होने का ही तो मान रख रही हूँ, तभी तो जो भी लेना होता है मैं सीधा आपकी दुकान में ही आती हूँ, वरना आसपास और भी कितनी दुकानें हैं। नहीं आंटी जी, ये आपको इतने पैसों में तो नहीं मिल सकता, वैसे आपके पहले के भी पैसे बचे हुए थे ना। अरे सरिता जी, ये आपकी बेटी कैसे बात कर रही है, मेरे पहले के पैसे बचे हैं, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन याद क्यों दिला रही है? मैं क्या तुम दोनों के पैसे लेकर कहीं भागी जा रही हूँ? आंटी जी, याद नहीं दिला रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि आपके पहले के भी पैसे बचे हैं, आप आई हो यहाँ तो लगे हाथों वो पैसे भी दे दीजिए, आपको भी बार बार थोड़ी आना पड़ेगा। सरिता, अपनी बेटी को कुछ तो बोल, देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। ज्योति अब बस भी कर, कब से बोले जा रही है, और मीनल बहन तो यही पड़ोस की है ना, जब मनाए तब पैसे दे देंगी, इसमें उन्हें बताने वाली क्या बात है। मीनल बहन, एक काम करो, ले जाओ 50 में बेसन। लेकिन माँ। बस करना, जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे क्या बात करने की जरूरत है, उससे बड़ी हूँ ना मैं, चुपचाप मेरी बात मान और मीनल बहन के लिए एक बेसन की थैली ला कर दे। अपनी माँ से कुछ सीखो ज्योति बेटा, ऐसे ही दुकान खोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राहक बनाने भी पड़ते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, और पैसे मेरे खाते में जोड़ लेना, बाद में दे दूंगी। मीनल वहाँ से इतना बोलकर चली जाती, और ये सिर्फ मीनल ही नहीं बल्कि बाकी मोहल्ले के लोगों का भी हाल था। गरीब पड़ोसन की दुकान का काफी ज्यादा लोग फायदा उठाया करते थे, और जब इन सब के बारे में ज्योति भी कुछ बोलती तो सरिता उसे चुप करवाती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद एक विनोद नाम का आदमी सरिता की दुकान पर आता है और माँ बेटी से कहता है, बहन जी, मैंने आपको सामान तो दे दिया, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले। भाई साहब, कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है मैं आपके पैसे दे दूंगी। आप ये बहाना तो कब से बना रही हो,
अब तक क्या पैसे नहीं हो पाए बहन जी? कम से कम बहाने तो अच्छे बनाओ जो सुनने में तो ठीक लगे। भाई साहब ये कोई बहाने नहीं है, सच है। अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हम खुद इतनी गरीबी में चल रहे हैं, दुकान का सामान भरवाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे हैं, तो आपके पहले के पैसे कहाँ से दें? क्या हुआ? अब जब मैं आपको पहले बोल रही थी कि जिस तरह हमें दूसरों के पैसे देने हैं, वैसे ही आप दूसरों से अपने पैसे तो मांग लिया करो ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। भाई साहब बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है, जब आप इतना बोल रही हो तो बस कुछ दिन ही, आप एक हफ्ते में मेरे पैसे दे दीजिएगा। विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन विनोद की बातों से सरिता और परेशान हो जाती है और पैसे जमा करने के लिए सोचती है। कुछ दिनों बाद वहाँ मीनल एक नई साड़ी पहन कर आती है और कहती है, सरिता जी जरा एक बिस्किट का पैकेट दे देना। आंटी जी वैसे आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, कहाँ से ली आपने? अरे ये तो मैंने मॉल से ली है, पूरे 25,000 की साड़ी है, अच्छी है ना? क्या इतनी महंगी साड़ी? फिर तो आपने वहाँ भी यही बोला होगा ना कि बाद में पैसे दूंगी। अरे वो मॉल था, वहाँ पर ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं। अच्छा फिर ये जरूर बोला होगा कि कम पैसों में दे दो ना। अरे ज्योति ये कैसी बात कर रही हो तुम? मॉल में भला कोई मोल भाव करता है क्या? अच्छा मतलब मोल भाव करने के लिए हमारी ही दुकान है, जिसमें आप पैसे भी महीने दो महीने बाद देती हो, है ना? हाँ तो अच्छी खासी स्टैंडर्ड जगह है, वहाँ पर तुम जैसे गरीब लोग थोड़ी ना आते हैं। लेकिन जब आप लोग साथ ही उन अमीर लोगों का दोगी तो हमारा क्या होगा? ज्योति चुप हो जाए, ये क्या बकवास कर रही है तू? माँ आप मुझे क्यों चुप करवा रही हो? यहाँ सबको पता है हम कितने गरीब हैं, हमारे पास खाने को भी खाना नहीं होता है कभी कभी, और हमारे पड़ोसी ही हमारे दुख को नहीं समझ रहे। बेटा मैं समझ रही हूँ तो गुस्सा है, लेकिन गुस्से में बस गलत ही होता है, मुसीबत का कोई हल नहीं निकलता, इसलिए बोल रही हूँ तो जरा शांत हो जा। सरिता के बोलने पर भी ज्योति चुप नहीं होती, बल्कि और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं जो ज्योति को बोलते सुनते हैं। माँ गरीब पड़ोसन की दुकान का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो बल्कि हमारी मदद करनी चाहिए ना। जो लोग एक साड़ी बस 25,000 की ले सकते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए हमसे मोल भाव करते हैं। बेटा माँ बेटा नहीं, अब इन्हें भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम यहाँ सबके बारे में सोच लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा ना, इसलिए अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। ज्योति की बातें सुनकर मीनल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही शायद सबसे ज्यादा अपनी गरीब पड़ोसन की दुकान का फायदा उठाया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज तक जो हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। मीनल सबके सामने माफी मांगती है और वही चीज कभी नहीं दोहराती। मीनल के साथ साथ और लोग भी अपनी गलती को समझ जाते हैं और उसके बाद ज्योति और सरिता की हालत में ज्यादा न सही लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होता है। सपना सुंदर तो बहुत थी, वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर खुश भी थी, क्योंकि जल्द ही उसकी शादी उसके प्रेमी से होने वाली थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन सपना की माँ राधा उससे आकर कहती है, सपना तुझे कितनी बार बोला है कि कृपाल से पूछ के बता दे उसको दहेज में क्या क्या चाहिए, मुझे सब इंतजाम भी तो करना है ना। आपको भी कितनी बार बोला है माँ, उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से उनके पास सब कुछ है। चल ठीक है, फिर तो इतनी जिद कर ही रही है तो मैं कारपेंटर को बोल के पलंग का ऑर्डर दे ही देती हूँ, सोफा और बाकी सामान सब मना कर देती हूँ। अरे माँ आपको बोला तो कुछ नहीं चाहिए, फिर पलंग क्यों? बेकार में एक पलंग लेकर या बनवा कर भी आप क्यों पैसे खर्च करना चाहती हैं? रहने दीजिए ना। अरे पगली अब ये भी क्या तुझे समझाना पड़ेगा, कम से कम अपना एक पलंग तो लेकर जाएगी ना। इसलिए ना ताकि जब भी मेरा उनसे झगड़ा हो उनको लात मार के पलंग से गिरा सकूं। अरे तुझे तो समझाना ही बेकार है, चल मैं चलती हूँ, बहुत तैयारी करनी है शादी की। राधा इतना कहकर चली जाती है और शादी की तैयारियाँ करने लगती है। दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आता है, सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। सपना शादी करके अपने ससुराल आती है और साथ आता है उसका दहेज में मिला पलंग। उसके नए ससुराल में बस उसका पलंग ही था जिसको वो अपना बोल सकती। दिन गुजरते हैं और वो अपने ससुराल के रंग में रंग जाती है। और एक दिन जब कृपाल देरी से काम से घर आता है तो कपड़े बदल कर पलंग पर सोने लगता है तो सपना उसे सच में लात मार कर गिरा देती है। ये देखकर कृपाल कहता है, बोरा गई हो क्या,
कौन शादी के कुछ दिन बाद अपने पति को ऐसे लात मारकर पलंग से गिराता है? अगर कुछ हो जाता या मेरी हड्डी टूट जाती तो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ मुँह काला करवा रहे थे इतनी रात तक? इतनी रात को आने का क्या मतलब है आपका? अरे बाबा, ऑफिस के बाद हम सब लोग कुछ खाने पीने चले गए थे तो लेट हो गया। खाने पीने मतलब तुम पीकर भी आए हो? सच बताओ, तुमको मेरी कसम, तुम पीकर आए हो क्या? सॉरी जानू, लिटिल लिटिल। खबरदार फिर मेरे इस पलंग पर चढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी इस ड्रिंक की बदबू से मेरे पलंग पर भी स्मेल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये बदबू मेरे पलंग पर आए। आई तुम्हें समझ? अगर पलंग पर सोना है ना तो नहा के आओ, जाओ। प्लीज जान, रात के 1 बजे कौन गधा नहाता है? सोने दो ना, सुबह उठकर नहा लूंगा, वादा करता हूँ। कृपाल की सपना एक नहीं सुनती और कृपाल को 1 बजे नहाने वाला गधा बनना ही पड़ता है, लेकिन सर्दी में देर रात नहाने से उसे जुखाम होता है। अगले दिन बेचारा किसी तरह उठकर काम पर निकलने लगता है, तभी उसकी माँ किशोरी उसे रोक कर कहती है, ये क्या है कृपाल, तुझे इतना गंदा जुखाम कैसे हो गया? कल तक तो तू ठीक था। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही चलता हूँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो रही है, बाद में करेंगे हम इस बारे में आराम से बात। कृपाल, तुझे मेरी कसम है, बता कर जा क्या बात है। आई समझ, मैं माँ हूँ तेरी, मुझे सब जानने का पूरा हक है। किशोरी के कसम देने पर कृपाल उसको अपनी बीवी की हरकत और पलंग के लिए पागलपन के बारे में सब बताता है। ये सब जानकर किशोरी सोच विचार में पड़ जाती है, और उसकी बहू सपना जब काम करके अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद उसके पलंग पर बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देख रही है। उसको देखकर सपना कहती है, अरे शनाया, ये क्या है, टीवी देखना है तो हॉल में देख लो ना, मेरे कमरे में मेरे बेड पर क्यों? हॉल वाले टीवी को क्या हो गया जो तुम्हें मेरे पलंग पर बैठकर टीवी देखना पड़ रहा है? भाभी, माँ ना टीवी पर सीरियल देख रही है हॉल में, और आप तो जानती ही हैं कि पूरे घर में बस 2 ही टीवी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे में आकर टीवी देख लूं। क्यों, सही किया ना मैंने? सही किया, तुझे मेरा ही पलंग मिला था चिप्स खाते हुए टीवी देखने के लिए, अब तुझे कुछ कह भी तो नहीं सकती। एक तो वैसे ही सब दनत कलेश कराने में मशहूर होती हैं। क्या करूं, क्या करूं? सपना को कुछ समझ नहीं आता और वो बाहर जाकर बिजली का तार ही काट देती है, जिससे शनाया को उसके पलंग से उठना ही पड़ता है। लेकिन ये सब करते हुए उसे उसकी सास देखती है, और वो सब समझते हुए भी बात को नजरअंदाज कर देती है और बात को जाने देती है। अगले दिन जब सपना अपनी रसोई में काम कर रही थी तो उसे मिक्सर का जार गिरकर टूट जाता है। तभी वहाँ पर कृपाल और किशोरी शोर सुनकर आते हैं, और कृपाल कहता है, ये कैसा शोर था सपना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बहू, तुझे लगी तो नहीं ना कैसा शोर था ये? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे आपका जार टूट गया। और तुम तो ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये जार, माँ जी ये मुझसे टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या जार जार बहू, बस जार ही तो था, नया आ जाएगा, अगर तुझे लग जाती तो मुझे चिंता होती, कोई भी सामान किसी अपने से बढ़कर थोड़ी होता है, उम्मीद है तू समझ जाएगी। किशोरी ये बोलकर चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक दिन जब कृपाल घर पर नहीं था तो किशोरी सपना के पास आती है और कहती है, बहू आज तो कृपाल घर पर नहीं है, तू अकेली सोएगी, एक काम कर तू आज मेरे कमरे में मेरे साथ सो जा, दोनों सास बहू खूब बातें करेंगे, साथ ही सो जाएंगे। अब माँ जी आपको कैसे बताऊं कि मुझे मेरे पलंग के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती, मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं सो सकती। बस इतनी सी बात तो कोई बात नहीं, मैं तेरे कमरे में तेरे साथ सो जाती हूँ, ये ठीक है ना? वो हाँ हाँ ठीक है माँ जी, अब कर भी क्या सकते हैं, आप कौन सा मेरे कुछ कहने से मानने वाली हो। किशोरी ये बोलकर चली जाती है, और रात को सोने के समय उसके कमरे में आकर सोने के लिए पलंग पर बैठती है, और कटोरी में सरसों का तेल लेकर पलंग पर बैठकर लगाने लगती है। तभी वहाँ पर सपना आती है और कहती है, अरे माँ जी रुको रुको, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने बहू, बस तेल ही तो लगा रही हूँ ना। नहीं माँ जी, आप मेरी पलंग पर बैठकर तेल लगा रही हैं, अगर ये गिर गया तो मेरी पलंग की चादर पर दाग आ जाएगा ना, और वो गंदी हो जाएगी, और भगवान ना करे अगर लकड़ी पर गिर गया तेल तो क्या हो जाएगा, पलंग ही तो है नया आ जाएगा, चादर ही तो है धुल जाएगी, वो भी नहीं आ जाएगी, पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कभी नई नहीं आएगी, ना नई जैसी हो पाएंगी।
क्या मतलब माँ जी आपका, मैं कुछ भी नहीं समझी। बहू मैंने सब देखा है, कैसे तूने शनाया को पलंग से उठाने के लिए बिजली काटी और कैसे तूने कृपाल को रात के 1 बजे नहाने भेजा और उसको जुखाम हुआ। उस दिन जब वो छींक कर ऑफिस जा रहा था मैंने कसम देकर उससे सब पूछ लिया था। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? बस यही की चीजें तो इंसान 100 बसा सकता है पर रिश्ते नहीं। बस इसे एक बेजुबान पलंग के लिए जो तू अपने रिश्तों में खटास ला रही है ना, ये तुझे ही नुकसान देगी। देख बहू, तू बस पलंग लाई है लेकिन मैंने इस घर में सब कुछ बसाया है। अगर मैं तेरी तरह भेदभाव करने लगूं तो तुझे कैसा लगेगा? माँ जी मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगी तो। उम्मीद है अब तू समझ गई होगी। चल अब तू अकेली सो जा, ये सब नाटक मैंने बस तुझे समझाने के लिए किया था। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। किशोरी इतना कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है और किशोरी की बातें सुनकर सपना को एहसास होता है कि वो कितना बचपना कर रही थी, जिसके बाद पूरी रात उसको अपने खुद के पलंग पर नींद नहीं आती और वो करवट बदलती रहती है और आधी रात को अपनी सास के पास जाकर सोती है। अगले दिन जब कृपाल काम को खत्म करके वापस आता है तो सपना, शनाया, किशोरी और कृपाल तीनों से माफी मांगती है और फिर कभी अपने दहेज में मिले पलंग के लिए रौब नहीं दिखाती। चंद्रावती की 2 बेटियां थी जिनका नाम नीला और रीना था। चंद्रावती की बड़ी बेटी नीला काली थी तो वहीं उसकी दूसरी बेटी रीना उतनी ही गोरी थी। चंद्रावती की दोनों ही बेटियां शादी लायक हो गई थी। ये देखकर चंद्रावती अपने पति मोहन से कहती है, मोहन जी हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई है और मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो आज का जमाना जवान लड़कियों को घर में रखना सही नहीं होता है। जवान लड़के घर में रखे धन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन चंद्रावती तुम तो जानती हो ना हमारी नीला। हाँ मैं जानती हूँ कि हमारी नीला को कोई जल्दी पसंद नहीं करता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है? एक बार हमारी नीला के लिए बात तो कीजिए आप। ठीक है, मैं कल नीला की शादी के प्रस्ताव के बारे में पंडित जी से बात करता हूँ। इस तरह से अब मोहन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह मोहन पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मोहन, आओ बैठो और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल पंडित जी मेरी बड़ी बेटी शादी लायक हो गई है, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, तो अगर कोई लड़का हो तो पंडित जी बता दीजिए। तुम्हारी बड़ी बेटी भाई ना जिसका रंग काला है? जी पंडित जी। वैसे हमारी नीला के लिए मेरी नज़र में एक लड़का तो है लेकिन पता नहीं वो शादी करेंगे भी या नहीं। खैर मैं तुमको शाम को बताता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी मुझे आज्ञा दीजिए। मोहन पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अब शाम होने पर घर में चंद्रावती और मोहन को पंडित जी का इंतजार था और शाम होते ही पंडित जी मोहन के घर आते हैं। मोहन मैंने लड़के वालों से बात की है, वो कल आ रहे हैं नीला बिटिया को देखने के लिए, इसीलिए तुम इसको अच्छे से तैयार कर देना। पंडित जी लड़के वालों का प्रस्ताव बताकर चले जाते हैं और अगले दिन जब लड़के वाले नीला को देखने के लिए आते हैं तब लड़के की माँ चंद्रावती से कहती है, बहन जी जरा हमें लड़की तो दिखा दो और कितना इंतजार करवाओगी हमें। जी बहन जी बिल्कुल, रीना बेटा नीला दीदी को लेकर आओ जल्दी जरा। इस तरह रीना अपनी बहन नीला को सभी के सामने लाती है, जहाँ नीला का रंग देखकर अब लड़के की माँ कहती है, बहन जी हमने लड़की दिखाने को कहा था ना कि तवा, जरा इस लड़की के रंग को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खदान से मुंह उठाकर आई है। हमने नहीं करना यहाँ कोई रिश्ता, चल बेटा हमारा टाइम खराब कर दिया। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ काले होने की वजह से नीला को शुरू से ही लोगों की खरी खोटी सुनने को मिली, लेकिन आज तो नीला का रिश्ता भी नहीं हुआ। ये देखकर नीला को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर सभी नीला के पास आते हैं और मोहन अपनी बेटी से कहता है, बेटा तू क्यों रो रही है, ऐसे नहीं रोते। पापा सब गोरे हैं पर मैं गोरी क्यों नहीं हुई? बेटा गोरे और काले में कोई अंतर नहीं, ऐसे नहीं रोते। हाँ बेटा और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, इन लोगों का असली चेहरा हमारे सामने पहले ही आ गया। सोचो इन घटिया लोगों के बीच अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। सभी नीला को दिलासा देती है और अब नीला भी खुद को संभाल लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ नीला को सभी रिश्तों की तरफ से रिजेक्शन ही मिल रहा था। ऐसे ही
एक दिन। चंद्रावती, कल हमारी नीला के लिए एक और रिश्तेदार है, वो काफी अच्छा रिश्ता है। मोहन जी, अब तक जितने भी लड़का है काफी अच्छे लड़के आए हैं और सभी अच्छे घर से थे, लेकिन हमारे नीला के रंग की वजह से सभी ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। क्यों ना हम कल लड़के वालों को हमारे रीना को दिखाए और शादी नीला से। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि लड़के वालों को हम रीना को दिखाएंगे लेकिन शादी नीला से करवा देंगे। पर चंद्रावती, ऐसे में हमारी बेटी को आगे बहुत तकलीफ होगी। मोहन जी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, और शादी की बात तो हर कोई अपना ही लेता है। मोहन चंद्रावती की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह मोहन अपनी छोटी बेटी रीना को लड़के वालों के सामने ले आता है और बहुत जल्दी लड़के वाले रीना को देखकर नीला का रिश्ता पक्का कर जाते हैं, ये सोचकर कि उनके घर की होने वाली बहू रीना है। अगले कुछ हफ्तों बाद नीला और रमन की शादी हो जाती है और जब नीला ससुराल जाती है तब उसकी ननद नेहा जैसे ही अपनी नई भाभी का घूंघट उठाती है वैसे ही वो चिल्ला पड़ती है। माँ, अरे क्या हुआ, बहू का चेहरा देख इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, अगर आप भाभी का चेहरा देखोगी तो आप भी ऐसे ही चिल्ला पड़ोगी। अरे ऐसा भी क्या है? अब जैसे ही कलावती अपनी बहू का चेहरा देखती है वैसे ही वो डर जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, दिखाया किसी और को और शादी करवाई किसी और से। माँ, हम इसको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अब इस घर की इज्जत है। अरे कलमूही, तू तो चुप ही रह समझी, तेरी तो शक्ल ही नहीं देखनी मुझे। रमन बेटा, इसको अभी घर से निकाल, अभी के अभी। मम्मी जी, माँ बाबा ने कोई धोखा नहीं किया है। हाय हाय, इस कल्लो को जादू टोना भी आता है, इसने आते ही मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया, जैसे खुद है वैसा ही काम भी करती है। राम राम राम, तुझे टोना टोटका भी आता है ना? सच बताइयो, तेरे माँ बाप को भी आता है ना काला जादू? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ और बाबा ने कोई झूठ नहीं कहा, बल्कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तभी अगले ही दिन मैंने कॉल पर रमन जी को सब कुछ बता दिया था। माँ जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। रमन बेटा, क्या ये सच बोल रही है? इसने तुझे सारा सच बता दिया था क्या? हाँ माँ, मुझे शुरू से ही पता था कि मेरी शादी रीना से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन नीला से हो रही है। माँ, आप एक बार नीला को इस घर की बहू बनाकर तो देखो, वो सच में बहुत अच्छी है। तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये काला जादू करती है। बस माँ, एक छोटी सी बात के लिए आप इतना बवाल मचा रही हो। रमन अब अपनी पत्नी का गृह प्रवेश नहीं करवाता और खुद ही उसको घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, माँ देख नहीं रही हो कि जैसे इस काले तवे ने इस घर की चौखट पर कदम रखा वैसे ही भैया का रवैया ही बदल गया। ये कलमूही कुछ करे इससे पहले आप भैया से इसको अलग कर दो। सही बोल रही है नेहा तू, पर कोई बात नहीं, मैं भी कलावती हूँ कलावती, इसको मैं इतना परेशान कर दूंगी कि ये खुद ही अपने पति और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। एक तरफ तो नेहा और कलावती नीला के खिलाफ साजिश रच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नीला अपने पति से कहती है, रमन जी, आपने घर में अब तक क्यों नहीं बताया था कि आपकी शादी रीना से नहीं बल्कि नीला यानी मुझसे हो रही है? नीला, मैं जानता था अगर मैंने घर में कुछ बोल दिया तो माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि बस तुम्हारा रंग काला है लेकिन तुम दिल से साफ हो नीला, और मैं अपनी पत्नी एक ऐसी लड़की को बनाना चाहता था जो मेरे लिए परफेक्ट हो। पर मम्मी जी, मान जाएंगी कुछ दिनों में, हर माँ अपने बच्चे की खुशी देखती है और जब माँ मुझे तुम्हारे साथ खुश देखेंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। इतना बोलकर अब नीला और रमन सो जाते हैं। अगली सुबह जब नीला सब के लिए खाना बनाती है तो वो खुद से कहती है, माँ कहती थी अगर किसी का दिल जीतना हो तो खाना अच्छा होना चाहिए, और जैसा कि रमन जी ने कहा था कि माँ जल्द ही मान जाएगी, क्या पता ये खाना खाकर ही वो मान जाए। नीला को लग रहा था कि सभी की नाराजगी उससे जल्द ही दूर हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद का सफर नीला के लिए बहुत कठिनाइयों भरा होने वाला था। ऐसे ही अब जब सब खाना खाने बैठते हैं तभी कलावती सभी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ सब, पहले मुझे खाना चेक करने दो, कहीं ये जादूगरनी हमें कुछ खिलाकर मार दे, क्या पता इसने कुछ मिलाया हो इसमें। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जा तू तो, समझी? माँ कैसी बात कर रही हो, जब देखो आप नीला को उल्टा बोलती रहती हो। इतना बोलकर रमन बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो खाना फेंक कर नीला को बहुत मारने लगती है। बेचारी नीला बार बार रिक्वेस्ट करती है लेकिन उसकी सास उसे खूब मारती है और मारने के बाद वहाँ से चली जाती है।
ये देखकर नीला रोते हुए खुद से कहती है, ये कैसी किस्मत है मेरी, भगवान जी आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया, इस कोरे ससुराल में मुझे क्यों भेज दिया। इतना बोलकर नीला बहुत रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ कलावती का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। और ऐसे ही एक दिन, नीला मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और हम कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है, और हाँ तुम माँ की बातों पर ध्यान मत देना। इतना बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रमन जाता है वैसे ही कलावती आती है और नीला के बालों को खींचते हुए हॉल में लाती है। पर ये क्या, रमन अभी नीचे हॉल में खड़ा है और उसने अपनी माँ की इस हरकत को देख लिया। ये देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप ऐसी निकलोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोचता रहा कि आप नीला को अपनी बहू बना लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने तो जुल्म की सारी हद ही पार कर दी है। अरे अपनी बहू को ऐसे कौन मारता है। काली बहू के गोरे ससुराल में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब क्या था, रमन अपनी पत्नी को अपने घर से ले जाता है और अपनी माँ से अलग हो जाता है। लेकिन गोरेपन का घमंड अभी भी कलावती के अंदर से नहीं गया था। सदियों से रीत चली आ रही है कि बहुएं सास की सेवा करती हैं, अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हैं। लेकिन संपूर्णा देवी के नसीब में शायद ये सुख था ही नहीं, क्योंकि जब से उसने अपने तीनों बेटों पंकज राघव सागर की शादी प्रीति पायल और अंकिता से की थी, तब से उसके आराम के दिन नहीं बल्कि काम के दिन शुरू हो गए थे। क्योंकि उसकी तीनों बहुएं एक नंबर की भूखी थी और संपूर्णा थी एक रसोईया जिसने अपनी जवानी में कई होटल्स में शेफ का काम किया था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय नाश्ते की टेबल पर बैठी तीनों बहुएं अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती हैं। अरे माँ जी कहाँ रह गई, सुबह का नाश्ता कहाँ है, मुझे भूख लग रही है। हाँ मम्मी जी मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज जल्दी से खाना ले आओ, कहीं हम तीनों भूख से मर ही ना जाए। नहीं नहीं मैं भूखी नहीं मरना पसंद करती। ओहो सासू माँ अब ले भी आओ खाना, अब क्या जान लेकर मानोगी। तीनों की खाने को लेकर ऐसी बेताबी भरी आवाजें जब उनके पति सुनते हैं तो वो भी नाश्ते की टेबल के पास आकर कहते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों सुबह सुबह खुले सांड की तरह वे कर रही हो। भैया वो खुला सांड नहीं बल्कि पागल कुत्ता होता है, कहावत ऐसे है कि क्यों पागल कुत्ते की तरह भूख रहे हो। आपको हम कुत्ते नजर आ रहे हैं, उससे कम भी नहीं हो। देवर जी आपने अपनी बकवास बंद करिए, या हम भूखी बहुओं को इतनी भूख लग रही है और देखिए ना सासू माँ अब तक कुछ खाने को ही नहीं लाई। शर्म आती है ऐसे बोलते हुए भी, अरे अपनी सास पर बैठे बैठे हुक्म चला रही हो, तुमको तो उनको बैठा कर खिलाना चाहिए। बात ऐसी है मैंने कई बार खाना बनाया है लेकिन उससे सभी का क्या हाल हुआ है वो आपको भी पता है, और माँ जी अपने भूतकाल में एक रसोईया रही हैं तो उनको अच्छा खाना बनाना आता है इसलिए वो खाना बना रही हैं। कुछ देर में संपूर्णा नाश्ता टेबल पर लगाती है जिससे देखकर उसकी बहुएं कहती है, वाह माँ जी वाह, सच में माँ जी खाने की खुशबू ने तो भूख बढ़ा दी, जल्दी से खाना दीजिए अब। माँ जी सच में आपका जवाब नहीं, आपकी जैसी रसोईया सास सबको मिले। बस करो और खाना खा लो, भूखों की तरह चिल्ला चिल्ला के कानों में दर्द कर दिया तुमने, अब ठूस लो और मुझे भी ठूसने दो। सभी खाना खाना शुरू करते हैं लेकिन संपूर्णा की तीनों बहुएं भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ती हैं। जहां संपूर्णा और उसके बेटे अभी थोड़ा सा ही खाना खाते हैं इतने में वो तीनों लगभग सारा खाना खत्म कर देती हैं और आराम से पेट पर हाथ फेरते हुए वहां से चली जाती हैं। टेबल पर पड़े सारे खाने के खाली बर्तन को देखकर सागर कहता है, ये पक्का पिछले जन्म में राक्षस होंगी, कैसे भूखों की तरह खाना खा कर गई हैं? हमारे लिए भी नहीं छोड़ा। संपूर्णा बेचारी अपनी बहुओं की इस भूखेपन की आदत से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बहुएं इतना खाती थी और बनाने में संपूर्णा के प्राण निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन संपूर्णा की पड़ोसन कामना उसके घर आती है और बोलती है, अरे संपूर्णा बहन कहाँ गायब रहती हो, बहुओं वाली हो गई हो पता है, लेकिन इतनी भी सेवा मत करो अपनी बहुओं से कि तुमको बाहर आने का समय ही ना मिले। अरे सेवा और बहुएं, नहीं नहीं ऐसी किस्मत कहाँ मेरी, यहाँ तो इन भूखों की सेवा करती हूँ मैं पूरा दिन खाना बनाकर। वैसे कहाँ है तेरी बहुएं, रसोई में है क्या, जरा चाय तो पिलवाओ अपनी बहुओं से। कामना के इतना बोलते ही तीनों बहुएं ठुमकते हुए हॉल में आती हैं और कामना के साथ सोफे पर बैठती हुई कहती हैं, हो ही जाए फिर अच्छी सी चाय साथ में,
वैसे भी मुझे भूख सी लग रही है। पेट सा भी भर जाएगा दोनों चीजें खाकर। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। कुछ बनाकर करोगी? मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो अब बोला है तो ले भी आओ। हम नहीं, माँ जी बनाएंगी ये सब। रसोईया सास है हमारी, इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाने के साथ साथ सभी हाथ भी खा जाएंगे। तू कह रही थी ना कामना, मेरी बहू मेरी सेवा करती है इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसा कुछ नहीं है, इन भूखियों के लिए पूरा दिन खाना बना बना कर कभी मुझे कहीं और जाने का समय ही नहीं मिलता। क्या कैसी बहुएं हैं, सास से काम करवाती हैं। जिस सास को बिठा कर खिलाना चाहिए उनको खुद खाने का ऑर्डर ऐसे दे रही है जैसे नौकरानी रखी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ खाना है। मुझे अपनी सहेली संपूर्णा को कष्ट नहीं देना इतना कुछ बनवा कर। कामना वहाँ से चली जाती है और संपूर्णा भी अपने कमरे में निकल लेती है, जिसके बाद तीनों बहुएं रसोई में कुछ बनाने की जगह खुद बाहर खाने के लिए चली जाती हैं। समय गुजरता है, उसकी बहुएं तीनों टाइम का खाना अपनी सास से बनवाती और इतना इतना खाना खाती जैसे भूखमरी फैली हुई हो। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त खाना बनाते हुए संपूर्णा का हाथ जल जाता है, जिस पर उसका बेटा पंकज उसको रसोई से बाहर लाकर सोफे पर बैठाते हुए कहता है, शर्म है तुम में या बेच खाई? हाँ जी, संभल कर करना चाहिए था। संभल के ही कर रही थी, लेकिन इतना इतना खाना बनाने में हाथ से तो हो ही जाते हैं। फिर भी माँ जी, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। अब बताओ, आज आपकी लापरवाही से खाना बनने में देरी हो जाएगी। बस अब माँ, आप इन जैसी भूखी सेल्फिश बहुओं के लिए खाना नहीं बनाओगी अब से। मेरी माँ ने रसोईयां बनाना तुम्हारे लिए नहीं सीखा था, समझी तुम? निहायती बेशरम हो तुम तीनों। इस उम्र में सास की सेवा करनी चाहिए तुमको, लेकिन तुम उनको ही पूरा पूरा दिन रसोई में खड़ा करके खाना बनवाती हो। बेटा गुस्सा मत कर, मैं ठीक हूँ, तू इन पर चिल्ला मत। माँ मैंने कह दिया, आप खाना नहीं बनाओगी अब से, आपको मेरी कसम है। इतना बोलकर पंकज अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उस दिन के बाद से संपूर्णा खाना नहीं बनाती, लेकिन अब तीनों भूखी बहुओं की भूख बढ़ती जाती है। कुछ दिन तो वो बाहर से मंगवा कर गुजारा करती है, लेकिन जब इतना इतना खाना रोज मंगवाने के लिए पैसे नहीं थे तो तीनों एक दूसरे से कहती हैं, दीदी और अंकिता ऐसा करते हैं, एक दिन आप खाना बनाओ, एक दिन मैं और एक दिन अंकिता। इससे हम बाहर से खाना मंगवाने से भी बच जाएंगे और हमें भरपेट खाना खाने को भी मिलेगा। हाँ ये ठीक है, अंकिता आज तुम बनाओ, कल पायल बनाएगी और फिर मैं। वाह दीदी, कुछ अच्छा हो तो बड़े से शुरू करना चाहिए और काम करना हो तो छोटे से। नहीं नहीं, मैं नहीं, आपको बनाना चाहिए पहले, इसलिए जाइए आप और बनाइए। देख लो आप अपना, क्योंकि मैं तो दूसरे नंबर की हूँ, चाहे प्रीति दीदी बनाए या अंकिता। तीनों बहुएं आपस में खाना बनाने को लेकर बहसबाजी शुरू कर देती है, तभी वहाँ उनके पति आते हैं जो उनको लड़ता हुआ देखकर कहते हैं, क्या लड़ रही हैं? माँ नहीं खाना बना रही, इतने दिनों से तो इन तीनों ने खाना बाहर से मंगवाया और अब पैसे खत्म होने पर कैसे लड़ रही हैं कि कौन खाना बनाएगा। अब तक बैठ के खाया है ना, लेकिन अब बनाने में मौत आ रही है। अरे जब तक तुम तीनों को माँ ने खिलाया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब दिक्कत है, कौन खाना बनाएगा उसके लिए लड़ने में लगी हो। सच में तुम्हें तो अपनी रसोईया सास का शुक्र मनाना चाहिए, ताकि उन्होंने तुमको इतने समय बैठ के खिलाया है। तुम तीनों को पता है कि तुम एक टाइम में कितना खाती हो, इसीलिए बनाने से डरती हो। हाँ सही कहा, लेकिन अब से मैं, माँ और भैया अपना देख लेंगे, तुम तीनों अपने खाने का इंतजाम कर लो। बनाना आता है तो बनाओ, वरना कच्चा खाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने पतियों की बात सुनकर तीनों को अपनी गलती समझ में आती है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी सास के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है और उसके बाद बिना लड़े एक साथ तीनों मिलकर खाना बनाती है। और रात के खाने में अच्छी अच्छी चीजें बनाने के बाद वो सबको परोसती है, और जैसे ही संपूर्णा अपनी बहुओं के हाथ का खाना खाती है तो बोलती है, अरे वाह ये तुमने बनाया है, मुझे लगा नहीं था। मतलब अब तक तुम झूठ बोलती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। माफ कर दो माँ जी, हमारी भूख ही इतनी थी कि हमें पता था हम अकेले इतना सारा खाना नहीं बना सकते, इसलिए आपके ऊपर ये भार डाला। लेकिन अब से हम तीनों मिलकर आपकी रसोई संभालेंगे और ये तीनों भूखी बहुएं अब अपनी रसोईया सास को बैठ कर खिलाएंगी। अपनी सास से सेवा करवाते हुए आखिरकार तीनों बहुओं को शर्म आ जाती है, जिसके बाद वो अब से खाना खाने से पहले बनाना भी सीखती हैं। अदिति एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन उसमें कमी ये थी कि वो आलसी थी और जब देखो पड़ी रहती। उसकी इन सब आदतों से उसकी माँ उससे बड़ी परेशान थी और उसको खूब समझाती थी कि थोड़ा सा घर का काम सीख ले,
लेकिन उस पर अपनी माँ की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ केतकी उसके पास आकर कहती है, अरे फिर से ज्यादा तान कर सो रही है तू, उठ जा, उम्र देख अपनी कितनी आलसी है तू इस उम्र में भी, चल उठ जा जल्दी से। क्या माँ, सोने दो ना, मुर्गे भी इतना बांग नहीं देते जितना सुबह सुबह आप शोर करती हो। शोर नहीं तेरे सर पर बैठकर तांडव भी करूँगी अगर तू अभी के अभी उठी नहीं तो, आई समझ? हाँ माँ उठ गई, अब नीचे चलो मैं आती हूँ। केतकी अदिति के कहने पर नीचे चली जाती है और अदिति वापस सो जाती है, जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन केतकी अदिति को देखती है कि वो टीवी के आगे बैठकर चिप्स खा रही है और उसको देखकर केतकी कहती है, अरे तुझे तो समझाना ही बेकार है, मैं तुझे बोल कर गई थी कि साफ सफाई कर लियो और तू आराम कर रही है। माँ ये चिप्स का पैकेट खाकर साफ कर रही हूँ। अच्छा बकवास मत कर और सुन, आज तुझे देखने लड़के वाले आएंगे शाम को, तो अच्छे से तैयार हो जाना। अदिति केतकी की बात सुनकर शर्मा जाती है, जिसके बाद शाम को तुषार अपनी माँ सरला के साथ अदिति को देखने आता है। केतकी सरला से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी बहुत फुर्तीली है और घर का सब काम जानती है। ये सुनकर सरला शादी के लिए तुरंत मान जाती है और तुषार और अदिति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वक्त बीतता है और कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अदिति अपने नए ससुराल में कदम रखती है। सब अच्छा चल रहा था कि अदिति अगले दिन जब देर से उठकर नीचे आती है तो देखती है कि तुषार और सरला साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और सरला अदिति को देखते हुए कहती है, ये क्या बहू, तेरी माँ ने तो बोला था तू बहुत फुर्तीली है और तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू आलस की टोकरी है। हम सब ने नाश्ता खत्म भी कर लिया और तेरी नींद अब टूटी है। जाने दो ना माँ, शादी की थकान होगी। छोड़ो अदिति, माँ को तो मजाक करने की आदत है, तुम यहाँ बैठो और नाश्ता करो। तुषार के कहने पर अदिति बैठकर नाश्ता करती है। अदिति घर का काम तो करती पर धीरे धीरे और सुस्ती से। एक दिन वो सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल देखते हुए मटर छील रही थी, तभी टीवी पर एक सीरियल आता है जिसमें बहू रॉबर्ट थी और सब काम फुर्ती से कर रही थी। ये सब देखकर अदिति को भी शरारत सोचती है और वो रॉबर्ट की तरह सब काम जल्दी जल्दी करने लगती है। और जब उसकी सास थोड़ा टहल कर बाहर से घर आती है तो अपनी बहू को फिर से सोफे पर पसरा देखकर कहती है, तुझे जब छोड़कर गई थी तब भी तू सोफे पर ही थी, अब भी वही है, तूने कोई काम किया भी है या नहीं? मम्मी जी मैंने सब काम कर दिया, कपड़े धो दिए, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा, खाना सब हो गया, अब आप बोलो तो मैं आपका गला दबा दूं, मेरा मतलब पैर। क्या कहा बहू तूने, मेरी आलसी बहू ने सब काम कर लिया और ये तू रोबोट की तरह क्यों बोल रही है, क्या हुआ है तुझे, ठीक तो है ना तू? मम्मी जी मैं बढ़िया हूँ, अब आप मुझे कमांड दीजिए कि मुझे क्या करना है। सरला को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बहू को क्या हुआ है और अब अदिति रोबोट की तरह चलती और बात करती, सारे काम भी मशीन की तरह जल्दी जल्दी करती और अपने खाली समय में रोबोट बहू वाला सीरियल देखा करती। ये देखकर सरला हैरान और खुश दोनों थी। एक दिन जब तुषार कमरे में था तो अदिति को देखकर प्यार से उससे कहता है, क्या यार अदिति, तुम जब देखो घर के कामों में लगी रहती हो, थोड़ा टाइम मुझे भी दो। ठीक है तुषार जी, आप मुझे कमांड दीजिए कि मुझे क्या करना है। वाह वाह, दुनिया भर की बीवी अपने पति को कमांड देती है और मेरी पत्नी मेरा हुक्म मानना चाहती है, ये तो बढ़िया बात है। शुक्रिया तुषार जी, अब कमांड दीजिए। एक काम करो, तुम जाकर एक गाना लगाओ, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। अदिति तुषार की बात सुनकर रोबोट स्टाइल में जाती है और एक रोबोट वाला गाना चलाकर रोबोट स्टाइल में नाचने लगती है। ये देखकर तुषार अपना माथा पकड़ लेता है और मन में कहता है, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी, मैंने क्या किया है तुषार, कितना प्यारा गाना है, आओ मेरे साथ नाचो। इसका रोबोट भूत उतारना पड़ेगा वरना मेरे बच्चे नहीं होंगे, छोटे छोटे रोबोट होंगे। ये सोचकर तुषार गुस्से में सो जाता है और अगले दिन सरला के साथ प्लान बनाता है कि आखिर कैसे अपनी बीवी का भूत उतारे, जिसके बाद सरला को एक आइडिया आता है और वो तुषार को एक तरकीब बताती है। इस तरह कुछ घंटे बाद जब अदिति रोबोट स्टाइल में चलकर आती है तो तुषार और सरला से कहती है, अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गए, बताइए मेरे लिए क्या कमांड है,
मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम ना एक काम करो, मेरे लिए राजमा चावल, कोफ्ते, दही बल्ले और खीर बना दो। आज कुछ अच्छा खाने का मन है। ओके, कमांड रिसीव। ये कहकर अदिति जाने लगती है तो सरला उसे रोक कर कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है, मेरी कमांड नहीं सुनेगी? ये सब काम करके ना घर का झाड़ू पोछा कर देना, अचार छत पर सुखा देना, कपड़े धो देना, नए साल की सफाई कर देना और बाजार से जाकर राशन ले आना और शाम को मार्केट से सब्जियां भी ले आना। आज मेरा काम का मन नहीं है और तू तो रोबोट बहू है ना, तो ये सब कर लेगी। अदिति घबराती हुई वहाँ से रोबोट स्टाइल में चली जाती है और जल्दी जल्दी सब काम करती है, जिस वजह से वो थक जाती है और सब काम खत्म करके वो जैसे ही शाम को आराम करने सोफे पर बैठने को होती है, तभी सरला और तुषार वहाँ आकर कहते हैं, बहू बैठी क्यों है, सब काम हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सब काम कर लिया है इसलिए बैठ रही थी। अरे अदिति, रोबोट थकता थोड़ी है जो तुमको बैठने का मन कर रहा है। हाँ बहू, अभी तो तुझे रात का खाना भी बनाना है। जा एक काम कर, आज यहीं कोई 25 लोग खाने पर आ रहे हैं तो सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दे। किस लिए आ रहे हैं मम्मी जी? बहू तू रोबोट है, तुझे क्या लेना, क्यों आ रहे हैं? रोबोट में फीलिंग थोड़ी होती है, चुपचाप जाकर कमांड मान और खाना बना। अदिति बेचारी मरती क्या ना करती, वो रसोई में जाती है और सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार करती है, जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति और सास उसका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं और तुषार के हाथ में कुछ बिजली के तार है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहती है, ये क्या तुषार जी, आपके हाथ में बिजली के तार क्यों है? अदिति भले तुम रोबोट हो पर हो तो मेरी बीवी ना, कितनी थकी हुई लग रही हो, ये तार लगाकर मैं तुमको चार्ज कर दूंगा, सोच रहा हूँ ये तार तुम्हारे मुँह में लगा दूं। सोच मत, लगा दे बेटा, वैसे भी इसका मुँह बहुत चलता है। नहीं नहीं, मुझे चार्ज करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अदिति हम हिंदुस्तानी हैं, जब मोबाइल 70% चार्ज होता है तो भी हम सो करने के लिए चार्ज पर लगा देते हैं, तो तुमको भी चार्ज कर देता हूँ ना। ये बोलकर तुषार तार लेकर उसकी तरफ जाता है और ये सब होते देखकर अदिति इंसानों की तरह भागने लगती है और डर जाती है, जिसके बाद वो कान पकड़कर तुषार और सरला से कहती है, सॉरी मम्मी जी, सॉरी तुषार जी, ये सब करने में मुझे मजा आ रहा था और मम्मी जी मुझे आलसी बोलती थी और रोबोट की एक्टिंग करके मैं सब काम जल्दी कर पा रही थी और मजा आ रहा था। अब से ये सब बंद, मुझे बिजली का झटका मत दो। भगवान का शुक्र है तुम मान गई और अब मुझे एक रोबोट बीवी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। जा बहू, अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी है। माँ जी, अब मैं आपकी आलसी बहू हूँ, रोबोट बहू नहीं, तो खाना खुद लगा लीजिए। वैसे भी मैं आज इतना काम करके थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। ये बोलकर अदिति आराम से बैठ जाती है और सरला खुद ही अपना माथा पकड़कर सबके लिए खाना लगाने चली जाती है।